नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। रेलवे स्टेशन में सघन चेकिंग के दौरान रुपयों से भरे बैग के साथ पकड़े गए दो संदिग्ध आरोपी जीआरपी और आरपीएफ को मिली बड़ी सफलता। कटनी कार्रवाई के संबंध में जानकारी देते हुए जीआरपी थाना प्रभारी अरुणा वाहन ने बताया कि लोकसभा चुनाव के आदर्श आचार संहिता एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कटनी आगमन पर जीआरपी और आरपीएफ कटनी के द्वारा संयुक्त रूप से विशेष चेकिंग अभियान मडवारा एवं कटनी स्टेशन में चलाया जा रहा था। सघन चेकिंग के दौरान जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने दो संदिग्ध लोगों को पकड़ा। आरोपियों के कब्जे से अवैध रूप से ले जाई जा रही नगद रुपयों से भरा पिट्टू बैग और ट्रॉली बैग मिला। रुपयों के संबंध में कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं करने पर और पूछताछ करने पर कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर नगद रुपए जब्त कर लिए गए। दोनों संदेही आरोपियों से नगद जब्त कर वैधानिक कार्रवाई की गई। जगत न्यूज 24 से राजेश कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट देखिए। अमाउंट पकड़ा गया है, कहां से पकड़ा गया, कौन ही है? आदर्श आचार संहिता और आगामी केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के कटनी आगमन पर विशेष चेकिंग अभियान स्टेशन द्वारा और कटनी में लगाया गया था। उस दौरान हमें दो संदिग्ध व्यक्ति मिले जिनके पास से एक पिट्टू बैग और ट्राली बैग में कुछ जो है नकदी पैसों की गड्डियाँ मिली, जिस संबंध में उनसे पूछताछ किया गया और दस्तावेज मांगा गया तो उन्होंने मौके पर कोई दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किया और ना ही उक्त रुपयों के बारे में उन्होंने कोई संतोषप्रद जवाब दिया। मैम, कितने के नोट हैं और कितना है? ये 500 की गड्डियाँ हैं और ट्राली बैग और जो बैग है पिट्टू उसमें लगभग 52 लाख रुपए जो है नकदी के बरामद। कहाँ लेके जा रहे थे? पूछताछ में उन्होंने संतराकाशी ले जाने का बताया है और ये भी जांच का सब्जेक्ट है। क्या ये हवाला कह सकते हैं? कह सकते हैं आप, क्योंकि लीगली कोई दस्तावेज पेश नहीं किया और न ही इस संबंध में कोई उन्होंने उचित कारण बताया कि किस का पैसा है। रहने वाले कहाँ के? दोनों संदेही कटनी जिला के रहने। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।